नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। प्रवासी मजदूरों का घर लौटने का सिलसिला लगातार जारी है और देखने को ये मिल रहा है कि अधिकांश मजदूर अपने अपने साधनों और पैदल ही अपने गृह ग्राम तक पहुंच रहे हैं। शासन प्रशासन की पोल खुलता ऐसा ही एक मामला बालाघाट जिले के रजे गांव चेक पोस्ट से आया है, जहां आगे पैदल ही अपने गर्भवती पत्नी और बच्चे को लकड़ी की लुढ़क से वाली गाड़ी पर बिठाकर खींचता हुआ नजर आया। हट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुंडे मोहगांव का रामू घोरमारे 700 किलोमीटर की दूरी तय करने पर अपने घर पहुंचा। कुंडा मोगा कहाँ से आ रहे कमाने गए थे? हाँ जुगाड़ हुआ नहीं। हाँ हाँ आने का पैसे का भैया एक मिनट बाद कहाँ रहते आप? कुंडा मोगा रहते। कहाँ से आने हो रहा आप? से आ रहे। तो कुछ शासन ने आपको कोई व्यवस्था नहीं दी क्या? बिल्कुल नहीं, किसी भी तरीके से। गोंदे में एक बार खाना मिला हमको। हाँ बाकी कहीं पे हमको कुछ नहीं मिला। यहाँ पे खाना मिला तो खाना भी कहाँ? रजे गाँव में। तो आपकी मेडिकल जांच वगैरह हो गई? हाँ, तो आपको वहाँ जो हैदराबाद में किसी तरीके की सुविधा नहीं मिल पाई है? नहीं, कुछ भी नहीं। किसी भी तरीके नहीं। कितने दिन हो गए आप आए हुए? हमको तीसरा दिन हो रहा है। तीसरा दिन? दूसरा दिन हो रहा है। दूसरा दिन कल हम लोग निकले थे वहाँ से 10-11 बजे। अभी ये कल भी गया, रात भी गई और अभी ये हम लोग चल रहे हैं, जा रहे हैं। तो आप इतनी गर्मी में आ रहे हैं कि शासन के किसी नुमाइंदे ने आपकी कोई मदद नहीं करा? जी सर, हम लोग लगातार जो इस समय कोरोना संकट चल रहा है, इसमें ये भी है कि बालाघाट जिले में दक्षिण के राज्यों से कई सारे मजदूर काफ़ी संख्या में पैदल चल के भी आ रहे हैं, गाड़ियों में भी पहुँच रहे हैं। अभी भ्रमण के दौरान महाराष्ट्र बॉर्डर पर ड्यूटी करते हुए एक पैदल परिवार दिखा, जिसमें पिता जो है राजू घुरमारे, उसके साथ 2 साल की बच्ची अनुरागनी और उसकी गर्भवती पत्नी धनवंता। हम लोगों के पास जो भी संसाधन उस समय उपलब्ध थे, बिस्किट्स थे वो प्रोवाइड कराए गए, साथ में बच्ची के पास चप्पल नहीं थी वो प्रोवाइड कराई गई, बच्ची को चप्पल दिया गया और साथ में उनको बॉर्डर पर पहुंचने के बाद मेडिकल चेकअप करा के तत्काल बस से घर रवाना किया गया है। साथ ही इनमें ये भी कहा गया कि आप घर पर रहकर अपने क्वारंटाइन नियमों का पालन करें। तो ऐसी स्थिति में इसमें ये भी देखने में आया था कि जो पिता है वो हैदराबाद से जो कि पैदल आ रहा है, उसने खुद ही अपने हाथों से एक गाड़ी फ्रेम की है जिसको सड़क पर छोटे पहिए लगाते हैं।